Bling, bling, bling a ding. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहसान और आप देख रहे हैं मैं कास्पेंट। आज हमारे पास आई है टोयोटा लेक्सस 200H, इसके हम रेस्टोरेशन करेंगे। गाड़ी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, लेकिन गाड़ी की बॉडी पे काफ़ी स्क्रैचेस थे, काफ़ी डेंट्स थे, बोनट बिल्कुल फेड हो चुका था एंड गाड़ी बॉडी जो है शेप में नहीं थी, मड़गार्ड शेप में नहीं थे। पहले अगले मडगार्ड दोनों पहले बने हुए थे, बाकी गाड़ी तकरीबन ओरिजिनल थी, लेकिन अगले मडगार्ड की शेप बिल्कुल आउट थी। बोनट का फेड हो चुका था, तो हमने बोनट को पेंट रिमूवर से इसका सारा जो पेंट है जो हुआ हुआ था, पेंट लो क्वालिटी का पेंट हुआ था, इस वजह से फेड हो गया था। तो इसके ऊपर अगर हम पेंट करते तो चांसेस थे कि पेंट जो है वो फूलने के चांसेस थे, इसकी जो है वो जो है इसकी पायदारी जो है वो नहीं आ पाती। तो उसको हमने पेंट रिमूवर से सारा पेंट इसका रिमूव किया। अब इसको हम सैंड करेंगे, जो छोटे मोटे डेंट पड़े हुए थे उसको हम फिलिंग करके इसके डेंट लेवल करेंगे। बोनट को हम पॉलीगेट भरने से पहले और प्राइमर करने से पहले इसको डीग्रीजर से साफ़ कर लेंगे, ताकि जब हमने इसके ऊपर पेंट रिमूवर की एप्लीकेशन की थी तो उसके आसार इसके ऊपर ना रह जाएं, क्योंकि अगर इसके पेंट रिमूवर के आसार रह जाएंगे तो आपका कलर जो है वो पकड़ेगा नहीं, ना ही प्राइमर पकड़ेगा, ना ही पॉलीगेट पकड़ेगा। तो हमने इसके ऊपर पॉलीगेट की एप्लीकेशन करेंगे। इसके ऊपर अब पॉलीगेट इसमें हम यूज़ कर रहे हैं नेक्सा का टॉप ऑफ द लाइन पॉलीगेट है, हीट प्रूफ होता है और चटकता भी इतनी जल्दी नहीं है। अब हम इसमें प्राइमर की एप्लीकेशन करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कैप्सी का प्राइमर हम यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक प्राइमर आता है, ग्रे प्राइमर भी आता है, ब्लैक भी आता है, वाइट भी आता है। तो उसमें हम डार्क कलर था, तो इसके ऊपर हम ब्लैक प्राइमर यूज़ करेंगे ताकि इसकी कलर की कवरिंग अच्छी हो। अब इस पर आप देख सकते हैं इसके जो पहले फेंडर्स के अगले बने हुए थे, इसके ऊपर से हमने जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉलीगेट चढ़ा हुआ था वो उसके ऊपर से हमने उतारा। इस पॉलीगेट को उतारने का हमने उस पर प्राइमर लगाया, जो उसके शेप आउट था उसके ऊपर हमने मार्किंग करके इसको, अब जिसकी लाइनें धारे होती हैं जिसका शेप होता है वो मार्किंग करके इसको हम डेंट करेंगे, इसको अपने शेप में लेकर आएंगे और इसको डेंट करने के बाद इसको जो है फॉइल से फिनिश करेंगे, ब्लेड से नहीं करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, फॉइल से फिनिश होता है पैनल और एक ब्लेड से होता है। हमने इस गाड़ी को फॉइल से फिनिश किया, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है काफ़ी, और जितना अच्छा डेंट होता है उतने कम पॉलीगेट आती है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो लाइन है, इसका जो शेप आता है बीच में ज़रा सी लाइन आती है और बीच में हल्का सा खड्डा आता है इसके ऊपर, तो उसका जो है शेप आउट था। तो हमने कोशिश की है इसको डेंट से जितना हो सके, जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें जितना डेंट हो सके इसका शेप अपना, इसका ओरिजिनल वाला शेप लेकर आएँ, ताकि इसके अंदर पॉलीगेट कम से कम आ सके और जब गाड़ी पेंट हो तो उसमें खूबसूरती दिखे। असल में होता ये है कि लोग पॉलीगेट से बना के पेंट कर देते हैं, लेकिन वो खूबसूरती वो पायदारी नहीं आ पाती पॉलीगेट से, जो एक पैनल मेटल पैनल के ऊपर जो है आप जब वो प्राइमर करके कम से कम पॉलीगेट लगती है और वो फिनिश आता है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस पूरे पैनल को हमने फिनिश कर दिया फॉइल से, जितना हो सकता था 95% तक उसको हमने डेंट किया है। अब 5-10% जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीगेट आएगा, तो पॉलीगेट इतना नहीं होता। पॉलीगेट बेसिकली बना ही इसलिए कि जब गाड़ी डेंट हो, पैनल डेंट हो, तो उसके ऊपर जब वो फॉइल के या उसके डेंट करने के निशानात होते हैं पॉलीगेट, उसके लिए भरी आती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बेसिकली होता ही है कि हर तरीके का काम करने वाले बंदे हैं, तो यहाँ पे जो है वो खड्डों में भरने के लिए पॉलीगेट इस्तेमाल होती है। तो जो पॉलीगेट हम यूज़ कर रहे हैं नेक्सा की, ये वो पॉलीगेट नहीं है जो खड्डों में इस्तेमाल होती है।
हमारा जो खड्डों में पॉलीकेट इस्तेमाल होती है वो लोकल पॉलीकेट होती है ग्लोसर की क्लासों की, वो खड्डों में भर दी जाती है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू नेक्सा की पॉलीकेट के वो काफ़ी सस्ती पॉलीकेट है। जैसे मिसाल लगाएं कि अगर 1100 रुपये की ग्लोसर है तो 5,000-5,500 रुपये की पॉलीकेट है। तो ये पॉलीकेट जो है वो अच्छे पैनल जब डेंट होते हैं उसमें यूज़ की जाती है ताकि इसका फिनिश अच्छा आए, हीट प्रूफ भी होती है, चटकती भी आराम से नहीं है और ये आपके कलर का फिनिश भी बहुत अच्छा देती है। अब ये गाड़ी हमारी जो है वो बेस वर्क पर तैयार हो गई है तो उसको अब हम प्राइमर करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था इसको हम ब्लैक प्राइमर कर रहे हैं क्योंकि डार्क कलर है, इसकी कलर की कवरिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। कैप्सी का प्लेट 2K प्राइमर है जो हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे हम डायरेक्ट प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं, हमने लापी नहीं भरी, जो लापी होती है रेड कलर की ग्रे कलर की, वो लापी हम जो है वो नहीं भरते इसके अंदर क्योंकि लापी जो है वो आपके कलर की लाइफ को जो है वो कम कर देती है क्योंकि वो पेंट के काम के लिए नहीं बनी गाड़ियों के लिए, वो बेसिकली फर्नीचर के काम के लिए भरी है। तो हम अवॉइड करते हैं अच्छी गाड़ियों को भरने से, जो अच्छे पैसे कस्टमर देते हैं अच्छा काम करवाते हैं तो उसके ऊपर हम उसको अवॉइड करते हैं लापी भरने से। अब इसमें आप देख सकते हैं इसका बंपर जो है बिल्कुल ख़त्म हालत में था लेकिन इसका बंपर काफ़ी एक्सपेंसिव है तो हमें बनाना पड़ा, तो हमने डिसाइड किया इसको हमने मीपा की पॉलीकेट के अंदर बनाया। मीपा की पॉलीकेट आती है फाइबर की, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, तो हमने उससे बंपर को बनाया। तो इस ये पॉलीकेट भी जो है वो चटकती थी आराम से नहीं, इस वजह से हमने बंपर को मीपा की फाइबर पॉलीकेट से बनाया। अब इसका बोनट जो है वो आप देख सकते हैं वो नया बोनट था कंपनी की तरफ से डाला हुआ था, तो उसमें सीलिंग नहीं आती, डोरी जिसको हम कहते हैं वो नहीं आती, तो उसके अंदर हमने सीलिंग डाली ताकि इसका जो लुक है वो जेन्युइन आ सके। इसके अलार्म देख सकते हैं, अलार्म जो है वो काफ़ी इसमें स्टोन चिप थे, काफ़ी जगह से रंग उखड़ चुका था, तो गाड़ी जब पेंट हो रही थी तो हमने सोचा इसके अलार्म भी पेंट करते हैं, तो अलार्म उसके जो है वो रिपेयर किए खोल के पॉलीगेट से और उसको सैंड करके इसको प्राइमर करके उसको हमने इसको पेंट किया। पेंट इसको जो है वो हमने इसके ओरिजिनल कलर में किया जो इसके ऊपर सिल्वर आता है थोड़ा ब्लैकिश के ऊपर, वो आपने उसको अपने शेड के अंदर हमने इसको पेंट किया। इसके ऊपर जो हमने क्लियर कोट यूज़ किया वो स्टैंडोक्स का है, टॉप ऑफ द लाइन क्लियर कोट है पाकिस्तान के अंदर। आप देख सकते हैं कि अच्छे क्लियर कोट की मिसाल ये होती है कि देखें आप इसको जो क्लियर इसका बचा हुआ था वो तो हमने इसको बॉटल में रख दिया तो वो उसकी ये हालत हो गई सूख के। कोई भी अच्छा क्लियर कोट होगा आपको जानना है कि क्लियर कोट अच्छा है जिसकी लाइफ अच्छी होगी, तो जब उसको आप मिक्स करके रखेंगे तो वो सूख जाएगा, वो रबड़ बन जाएगा बिल्कुल, तो ये क्लियर कोट के अच्छे होने की निशानी है। तो साइड मिरर जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो ये साइड मिरर जो है वो लाइट के कवर से बनाया गया लेकिन इसकी जो शेप शक्ल है वो बिल्कुल ही आउट थी, तो इसको पॉलीगेट से फाइबर की बना के इसकी जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन बनाया गया, इसको रेडी किया गया, देख सकते हैं आप इसके अंदर इसको। अब ये गाड़ी पेंट बूथ में कलर हुई क्योंकि कस्टमर की ख्वाहिश थी कि इसको पेंट बूथ में करवाया जाए, बेसिकली हम लोग पेंट बूथ में प्रेफर नहीं करते कराना क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं कि पेंट बूथ के अंदर जो है वो पेंट बूथ वालों गाड़ियाँ बादाम मारना होती हैं कलर और टाइम उनके पास कम होता है, तो वो आपकी गाड़ी पर इतना ध्यान नहीं दे पाते छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कि जिससे आपकी गाड़ी जो है वो जेन्युइन रहे, ना सही से मास्किंग कर पाते हैं, ना सही से वो चीज़ जगह छुपा पाते हैं, पेंट करते हैं अंदर की जगह जो है वो कलर से भर जाती है, तो आपकी जो नई गाड़ी है वो अंदर से वो चीज़ नहीं रह पाती क्योंकि मास्किंग नहीं सही कर पाते, सही से टाइम नहीं दे पाते क्योंकि उनको एक दिन के अंदर 5-7 गाड़ियाँ मारनी होती हैं जिससे उनका हिसाब किताब दिन का बने। हम जो गाड़ी पेंट करते हैं अपने वर्कशॉप के अंदर उसमें हम एक ही गाड़ी पेंट करते हैं एक दिन के अंदर, तो हम जितना टाइम दे सकते हैं जितना ध्यान दे सकते हैं पेंट से पहले गाड़ी पर हम देते हैं, तो हम जो है वो प्रेफर नहीं करते हम ना पेंट बूथ में गाड़ी लेके आते हैं। अगर कस्टमर की ख्वाहिश हो, कस्टमर को ज़्यादा शौक़ हो इस चीज़ का कि पेंट बूथ नहीं करानी है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं आप खुद जाके पेंट करा ले, हम उसका बेस वर्क करके दे देते हैं। अब गाड़ी
पेंट होकर आ गई है तो उसको हम सेंड करेंगे। इसको 2000 के पेपर से 3000 के और 6000 के पेपर से सेंड करेंगे। आप देख सकते हैं इस मशीन से वो सेंडिंग हो रही है। ये इसके नीचे जो पेपर लगा हुआ है वो फॉर्म का पेपर होता है, ट्रिजैक कहलाता है 3M का। 6000 का और 3000 का पेपर है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तकरीबन एक पेपर जो है वो सिर्फ एक पेपर 2100 रुपये का आपका, और नॉर्मल पेपर जो होते हैं वो आपके 60 रुपये के हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पेपर होता है। तो हमने यूज़ किया, उसके बाद हमने इसको 3M की रबिंग से और 3M की पॉलिश से इसको हमने ट्रीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इसके आप पे शॉर्ट देखते हैं।